नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी पे मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन एक क्लास के अंदर लेके आते हैं और ये प्रत्येक सब्जेक्ट के होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का मतलब कि एक क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट के होंगे और ऐसे ही हम सभी सब्जेक्टों के जो है क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। क्वेश्चन से हम जो है पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। अब ये सोचिएगा कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट को चाहता हूँ कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा जो है पूर्णतः कैसा हो जाए, आंसर राइटिंग पे मेरी अच्छी पकड़ हो इस सब्जेक्ट पर, यहां से कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी टॉपिक से आए तो मैं इसका आंसर दे पाऊं, ना कि सिर्फ आंसर दे पाऊं, एक अच्छा आंसर लिख पाऊं, एक अच्छा आंसर जिसमें मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, उस आंसर में मेरा एक प्रवाह हो, है ना, और उसमें मैंने जो चीजें पूछी गई हैं यानी क्वेश्चन के अंदर जो चीज पूछी गई है वो अच्छे से उसमें फिल की है और टाइम के साथ हो जाए, यानी कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल पर इतनी अच्छी पकड़ हो जाए कि जितने टाइम के अंदर क्वेश्चन लिखना चाहिए मैं लिख पाऊं, जैसे लिखना चाहिए मैं वैसे लिख पाऊं, उसकी पृष्ठभूमि, उसका मुख्य भाग और निष्कर्ष को, और मेरा प्रस्तुतिकरण ऐसा हो कि जो एग्जाम कॉपी चेक करे तो वो तुरंत उस चीज को देखे कि हाँ इस कॉपी को तो पढ़ा जाए क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाकी चीजें देखते हैं मगर देखने में वो एक पॉजिटिव माइंड से जो है आपकी कॉपी को चेक करने की ओर आपकी ओर बढ़े, क्योंकि आप पीएचडी करे हुए हो या फिर आपने कुछ एमफिल वगैरह कोई इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां आपने की हैं। ठीक है, आप जो है 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका फर्स्ट ईयर है, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, नहीं वो आपको जानता है कि आपने 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, पहला साल है, तीसरा साल है, कौन सा साल है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आपके पास कौन सा डिग्री है इसका भी मतलब नहीं है, आपने जो उसने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कैसे लिखा है, ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है कि नहीं दिया है, बस इन बातों से उनका मतलब होता है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई जा रही हैं कि हाँ यदि आपकी तैयारी, एक सोचिए देखिएगा कि कोई सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो है रैंडमली आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री जो है मान लीजिए, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, इस तरह के सभी सब्जेक्ट जो है यदि आपके आंसर राइटिंग हिसाब से तैयार हो जाए तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चीजें हो सकती है कि आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें कि हाँ चलो मैं 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेता हूं, अलग चीज है, मगर सभी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक टॉपिक को जो है आपने ऐसे तैयार किया हुआ है कि हाँ वहां से क्वेश्चन आया तो मेरे पास पहले ही वो सब पॉइंट होंगे, यानी कि जब आप किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो तुरंत मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, इसके पॉइंट कैसे लिखूंगा, प्रभाव इसके कैसे लिखूं, इसकी चुनौतियां कैसे लिखूं, ठीक है, इसके कारण कैसे लिखूं, वो सब आपको सोचना ना पड़े, आपकी प्रैक्टिस, आपकी चीजें इस तरह से आपके पास हो कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मैं आसानी से लिख लूंगा, अच्छे से प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि आपने वो, आपके पास सब कुछ है, हमने आपको वो प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिर हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, एनवायरमेंट हो, साइंस टेक हो, ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर है ना, तो आर्ट एंड कल्चर के कौन से क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन की ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज हो जाती है कि जो उसके अंदर आ रहा है ना, उसको हम कैसे लिखना है, और वो पॉइंट वो तो इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब इस चीज पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है और हमें इसे कैसे लिखना है, प्रॉपर चीजें होंगी। दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन तो वाकई बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन वाकई बहुत सिंपल है, मगर हमें चीजें क्या करनी है, हमें इनको पकड़ बनानी है। ये चीजें बहुत बेसिक हैं, हम हार्ड की तरफ चीजें चल रहे हैं, काफी हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कभी आसान क्वेश्चन आते हैं, मगर सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आप नॉर्मल सी बात है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर रहा है, हो सकता है आपको नॉलेज हो मगर उसको उतारना है ना, उसको लिखना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट चीजें बतानी है, अच्छे से प्रस्तुत हो। आप ये सोचेगा कि भाई आंसर तो सभी देंगे, आप भी दोगे, जो आपके पास बच्चा बैठा है, जो ऑनलाइन मेंस दे रहे हैं वो भी देंगे, तो चीजें कैसे अलग हो, आपका आंसर, आपके जो पॉइंट है बिल्कुल क्रिस्ट क्लियर जो है और अच्छे से हो, तो उन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। और टाइम की कमी हो, यानी कि देखिए कोई चीज जो है विशेषता सोच सोच के लिख रहा है और उसने लिखी 10-12 मिनट में, आपके यहां पर चीजें पहले ही फिक्स थी तो आपने जल्दी जल्दी चीजें लिख दी, तो बस हमें इस तरह की चीजें को प्रैक्टिस करनी है। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं।
भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस चीज से संबंधित है भाई, भक्ति आंदोलन में जो है इस चीज से संबंधित है, भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन संबंधित है। इतनी बेसिक चीज तो हमारे समझ में आ गई। सेकेंडरी बात क्या है कि भाई उदय के क्या कारण थे, ठीक है, उदय के कारण लिखने हैं मुख्य भाग में, ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। आगे क्या है, तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, सेकंड चीज इसके महत्व के बारे में चीजें पूछी गई हैं। यानी कि प्रश्न में हम भक्ति आंदोलन के बारे में बताएंगे, जो कनेक्शन कहां पर होगी कारण और महत्व के बारे में, उसकी चीज के बारे में बताता हुआ चीजें चलेंगी, ठीक है। सेकंडरी बात, जब हम मुख्य भाग की ओर बढ़ेंगे तो हमें किन किन चीजों पर बात करनी है, उसके कारण पे बात करनी है और उसके महत्व पे बात करनी है, और फिर कहां पर बढ़ेंगे, फिर निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। यानी कि ये चीजें तो दिमाग में क्रिएट हो गई, भी हमें चलना कैसे है, है ना, और बेसिक चीजों से हम समझने का प्रयास करते हैं तो फिर जब हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं किस चीज से, पृष्ठभूमि से, क्योंकि मुख्य भाग में हमें क्या लिखना है वो हमें पता चल गया। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव लिखिए, मैं बार बार आपको बताता ही हूं। तो भक्ति आंदोलन के बारे में बताते हुए शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्योंकि क्वेश्चन उसी चीज पे है। भक्ति आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक सुधार है, ठीक है, जो भारतीय समाज के जाति भेद अंधविश्वासों को दूर करने के विचार से शुरू हुआ। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में अलवर और नयनारों द्वारा की गई थी। अलवर भगवान विष्णु के भक्त हैं और नयनार भगवान शिव के भक्त हैं, तथा ये भक्त अपने जो है देवताओं की स्तुति में भजन गाते हुए विभिन्न स्थानों की यात्रा करते थे और जो है मंदिर बनाए गए, पवित्र जो है तीर्थस्थल बनाए गए इनके, वो चीजें हैं। अब ये बेसिक रूप से तो हमें चीजें पता चली कि भाई भक्ति आंदोलन ऐसी कुछ चीजें थी, सुधार चल रहा था, ठीक है, क्योंकि जो कुरीतियां फैली गई थी हिंदू धर्म में, जो कुरीतियां फैल रही थी, जो चीजें थी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि जब चीजें आती है ना पर्यटन, तो उसको दूर करने के लिए ये चीजें चलाई जा रही थी। तो हमने बेसिकली जान लिया कि भाई भक्ति आंदोलन के बारे में हमने एक नॉर्मल चीजें लिख दी कि वो क्या है, कहाँ से शुरुआत, ठीक है, वो कैसे सिस्टम, कैसे वो फैला, हल्का सा जिक्र कहां से आया कि भाई वो फैलाव जो हुआ उसका भी, कि भाई हाँ ये भजन स्तुति करते हुए जो है इधर उधर निकल जाते थे, तो जहां पर जनसमूह इकट्ठा होता था फिर वहां पर चीजें फैलती थी। जैसे कोई चीज फैलती चली जाती है ना कि भाई हाँ वहां पर चीजें फैल रही हैं आसानी से, है ना, तो ऐसे ही है कि भाई जब आप किसी साथ बैठते हो तो आपके विचारों का क्या होता है, प्रसार होता है, दूसरे चीजें मिलती हैं, आपके विचार किसी अन्य के पास गए, फिर वो ऐसे ही फैलती हैं चीजें। अब वो जा रहे हैं गीत गाते हुए, मगन है उस चीज के अंदर, तो वो लोग जानते थे, वो पहले ही परेशान है इन चीजों से, और जो परेशान है और उनके मतलब की चीजें हैं उन्हें थोड़ा संतुष्टि मिल रही है तो वो चीज से कनेक्शन करते हैं, तो ऐसी चीजें फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। हमने नॉर्मली किसी चीज के बारे में जान लिया कि भाई भक्ति आंदोलन के बारे में हल्की सी परिचय उसका हो गया। अब बढ़ते हैं मुख्य भाग की ओर कि मुख्य भाग में क्या और कारण हो, है ना, कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या क्या थे। अब हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा तो उससे क्या होता है कि जो हम कॉपी चेक कर रहे हैं, आप ही सोचेगा कि आप ही कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, और आप कॉपी चेक करने के लिए बैठ रहे हैं, एक ने नॉर्मल तरीके से लिखा गया है और एक ने अच्छे से प्रस्तुत किया है, लिखा है आंसर, अच्छे से प्रस्तुत किया है, तो उससे क्या होगा, जिसने अच्छे से प्रस्तुत किया आपका मन करेगा उसको पढ़ने के लिए कि इसने क्या लिखा है, और आप एक पॉजिटिव माइंड से वहां पर जाएंगे, और पॉजिटिव माइंड से जब कुछ हो सकता है कि मिस्टेक आपसे हो जाए, हल्की सी मिस्टेक तो आपसे हो गई, वो उसको इग्नोर करने का प्रयास करता है कि कोई बात नहीं, अच्छे से प्रस्तुत किया है, चीजें हैं तो ठीक है, फिर वो आगे और के साथ पॉजिटिव माइंड से रहता है कि शायद अच्छा सा कुछ और अच्छा लिखा होगा, और अच्छा सा, तो वो जो है सोचिएगा कि एक इंसान ने सेम आंसर लिखा है, सेम चीजें, बिल्कुल सेम चीजें, ऐसा ही उसने लिखा है, ऐसा ही बिल्कुल सेम वर्ड आपने लिखे हैं, ठीक है, दो आंसर है, फर्स्ट और सेकेंड सेम चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। अब ये सोच के देखिएगा कि आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा है, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है किसी दूसरे बंदे का। अब ये सोच के देखिएगा कि दो उम्मीदवार, एक का प्रस्तुतिकरण अच्छा, एक का नहीं है, मगर दोनों ने लिखा बिल्कुल सेम है, तो नंबर किसको मिलेंगे ज्यादा, चाहे वो आधा नंबर लेके जाए या एक नंबर लेके जाए, वो लेके जाएगा, मान लिया आपको 5 मिले तो उसको 4 ही मिलेंगे, सेम बातों पर, सेम चीजों पर जो है उसको उतना ही नंबर मिलेगा, तो ये इफेक्ट करता है, तो चीजें हैं भाई, दिमाग को इफेक्ट करती हैं चीजें, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, उदय के कारण देख लेते हैं। मुस्लिम शासकों द्वारा जो है मूर्तियों को नष्ट एवं जो है अपवित्र कर देने के कारण जो है बिना मूर्ति एवं मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति जो है लोगों का झुकाव बढ़ा, ठीक है, मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति जो है लोगों का झुकाव बढ़ा, जिसके लिए जो है उन्हें भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा, ठीक है, जिसके लिए क्या करना पड़ा, भक्ति मार्ग, दुखिया इंसान कहां जाएगा,
किसी को प्रॉब्लम्स हैं, जो है शासक हैं, जो सरकार है वो क्या कर रही है, उनको शोषण कर रही है। और जब किसी का शोषण होता है ना, हर आधार पर शोषण होता है, बुरा हाल किया जाता है, आप लोगों का जीना हराम हो जाता है, तो आपको ये लगता है कि भाई कहीं तो संतुष्टि मिले, और कहीं पर हल्की सी भी आपको जो है रोशनी जो है दिखाई देती है, तो आप उस ओर भागते हो कि यार इस अंधकार से निकलना चाहिए और कहीं पर भी मुझे थोड़ा सी संतुष्टि चाहिए, दिमाग सही चाहिए, वो चीज़ के यार आप भागते हो। जब इस तरह की चीजें हुई होंगी तो उनको सहारा मिला किसका, भक्ति का, तो वो उन्होंने अपना लिया कि यार एक तो जो सरकार इस तरीके की है, शासक इस तरीके के हैं कि हमारा शोषण कर रहे हैं, और हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसके आधार पर भी हमारा शोषण होता है, तो हम कुछ तो मिले ऐसा जिससे थोड़ा सा इस चीज को संतुष्टि मिले, तो वो जो उन्हें मिले तो वो और बढ़ गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कि तत्कालीन भारतीय समाज की जो है शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण जो है निचले वर्णों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो भक्ति संतों द्वारा जो है दिए गए सामाजिक सौहार्द और सद्भाव के संदेश ने जो है लोगों को प्रभावित किया। बता रहा हूं भाई, शासक वो शोषण कर रहा है, सामाजिक व्यवस्था वहां से शोषण हो रहा है, तो चीजें जब चारों तरफ प्रॉब्लम्स हो तो रोशनी कहीं से भी दिखाई दे इस अंधकार में, तो आदमी उस ओर जाता ही जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थी, मगर ये बातें बोलने के लिए तो नॉर्मल है कहानी की तरह, मगर जब आपको लिखना है तो आप अच्छे से उसको लिखिए और अच्छे से प्रस्तुत कीजिए, वो पॉइंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते भाई ये क्वेश्चन है यहाँ पर, आप प्रश्न में इससे भक्ति आंदोलन के बारे में लिख दीजिएगा, फिर उदय के कुछ कारण बता दीजिएगा, फिर जो है कुछ महत्व बता दीजिएगा, भाई वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीजें बतानी है ना भाई, नॉर्मल आपने पढ़ाई किया थोड़ी सी अच्छी, तो आप जान लोगे कि क्या क्या चीजें हैं, मगर क्या लिखना है एक्चुअल में वो भी आपके पास पहुंचे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि हम इसमें क्या प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से जो है त्रस्त हिंदू जनता ने जो है ईश्वर की शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस किया और भक्ति मार्ग का सहारा लिया। तो जो चीजें हो रही हैं, परेशान है दुनिया, ठीक है, और जब परेशानी खड़ी होती है तो इंसान भगवान की ओर भागता है कि भाई और तू ही बचा ले, बाकी तो सब ये चीजें बेकार हो ही रही हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या कि सूफी संतों की उदार और सहिष्णुता की भावना तथा जो है एक ईश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने जो है हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से जो है हिंदू इस्लाम के सिद्धांत के निकट संपर्क में आए। ठीक है, तो ये चार पॉइंट हो गए कि हम जो है उदय के कारण बताएंगे, तो इनको बता सकते हैं कि ये कारण रहे। अन्य तरीके से चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं, ये चीज हम सिखा रहे कि किसी क्वेश्चन को और किसी कारण को बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, अलग पॉइंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम बहुत सारे तरीकों से चीजों को सीखेंगे। हम यहाँ पर किसी एक दो क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करके चीजें ऐसा कुछ चुनन नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, वहां पर पूरा सब्जेक्ट होंगे और किसी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, इनसे संबंधित भक्ति आंदोलन से संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और आपके सामने लेके आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे चीजें चेंजेस करके लिखा जा सकता है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, हम एक सेकंड बार क्या लिखना था, महत्व के बारे में बात करनी थी, तो आइए उस पे करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जो है जटिलता कुछ हद तक समाप्त हुई, है ना, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट थी वे समाज जो शोषण हो रहा था सामाजिक व्यवस्था के कारण वो थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, तो फलस्वरूप जो है दलित एवं निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनमें आत्मसम्मान की भावना जगी, तो उनको थोड़ा सा वो लेप लग गया, जोखम थे उसके ऊपर लेप लग गया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन ने कई संतों ने जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिसे जो है इन समुदायों के मध्य जो है सहिष्णुता और सद्भाव की स्थापना हुई, जो आज भी शायद बहुत अधिक जरूरत है इस चीज की। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने जो है लोगों के सामने कर्मकांडों से मुक्त जीवन का ऐसा लक्ष्य रखा जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, तो ऐसे हम पॉइंटों का इस्तेमाल करते चलेंगे अपनी बातों को रखते हुए। भक्तिकालीन आंदोलन जो है कर्मकांड रहित समतामूलक समाज की स्थापना के लिए एक आधार तैयार किया कि जो चीजें चल रही है ना, जो बोझ आपके ऊपर आ गया है सामाजिक व्यवस्था का, शासक तो शोषण कर ही रहे हैं और जो सामाजिक व्यवस्था का एक बोझ आपके सर पे है, जो आपको कुछ अन्य तरीके से देखा जाता है, थोड़ा सा उसको हटाया गया, उस जो है एक कवर को हटाया गया, जो है आंख में जो रेत थी उसको जो है साफ किया गया, पानी है। ठीक है, भक्ति आंदोलन चला, उन्होंने पानी आंखों में मारा और जो धूल थी वो थोड़ी सी हल्की कम हुई और चीजें थोड़ी सी स्पष्ट नजर आने लगी, तो चीजें थोड़ी सी ठीक होने लगी। ठीक है, तो महत्व के बारे में हमने बात की, अब बात करते हैं निष्कर्ष पर। देखिये, भक्ति आंदोलन से जो है हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया।
भक्ति मार्ग जो है संतों ने समता का प्रचार किया और सभी धर्मों के लोग जो है आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किए गए। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में बहुत कुछ हुआ जिससे थोड़ा सा चीजें सही हुई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, किस चीज पे? भारतीय संस्कृति पे है। तो पहले हम किसके बारे में बताएंगे? भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हुए पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे। और बात किस चीज की पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो विशेषताएं बताएंगे कि भाई ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये है, ये है, है ना। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को रखते चलेंगे ताकि वो पॉइंट भी देखे ना जल्दबाजी में, तो भी उसको लगे कि हाँ इसने सारी चीजें फिल की है, है ना। जल्दबाजी में ये देखे कि हाँ सारे पॉइंट है, ये चीजें हैं वो स्पष्ट नजर आ रहे हैं, आपकी कॉपी को जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है। आप इतना वो मत कीजिए भाई ऐसा कुछ लिख के आ जाए कॉपी को पढ़ा ही नहीं जा रहा है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। यदि उसका दिमाग खराब हुआ तो वो आपकी कॉपी खराब करेगा, उससे आपका जीवन खराब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करना है, अपने साथ ही क्यों खेलना है? तो हमें अच्छे से चीजों को प्रस्तुत करना है कि पॉइंट टू पॉइंट करना है ताकि अच्छे से आराम से वो हमसे नंबर दे के जाए, आईएएस या पीसीएस बने और देश की सेवा करे। तो आइए पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर, ठीक है, और चीन की संस्कृतियों की जैसे ही प्राचीन है। जैसे क्या इनसे भी प्राचीन हमारी संस्कृति है और अच्छी है, ठीक है। तो वो ऐसी हमारी संस्कृति जिसमें हमें गर्व होता है, गर्व की भावना जो है वो प्रसिद्ध होती है और हृदय जो है गदगद हो जाता है कि हाँ हमें ऐसे स्थान पर जीवन जीने का मौका मिला, एक ऐसी संस्कृति के बीच में जो हमें जो है एक अच्छा सा भाव देती है, जो हमें अच्छा सब कुछ सिखाती है, ठीक है, लोगों से जो है इस तरह का भाव देना सिखाती है कि भाई हाँ सब एक परिवार का हिस्सा होते हैं, सबके लिए अच्छा करना सिखाती है, अपने जीवन को जो है मधुर बनाती है कि हाँ अपने जीवन को आप कैसे मधुर बना सकते हो, बहुत कुछ सिखाती है आपको। ऐसी संस्कृति में रहने का आपको मौका मिला है, यही सौभाग्य की बात है, ठीक है। नहीं तो भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत शामिल है। इसके साथ ही जो है भारतीय संस्कृति अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती हुई आई है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे अन्य संस्कृतियां हैं, रोम संस्कृति है, मिस्र है, यूनान है, मतलब ये समय के साथ जो है चीजें चेंज होती चली गई और जो उनका मूल स्वरूप था वो कम होने लगा और खत्म की और चीजें ये बढ़ रही हैं। मगर भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, वो चीजों को ढालती है और आज भी हमें शिक्षा देती है, वो जीवन जीने का जो है मार्ग दिखाती है कि आप जिसको यदि आप गलत रास्ते की ओर बढ़ते हैं तो हमें मार्ग दिखाती है कि सही रास्ता ये है, यहाँ पर आपका जीवन जो है अच्छा हो जाएगा, ऐसे कार्य करने चाहिए, उन चीजों से बढ़ना जो है अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम जाते हैं प्रमुख विशेषताओं की ओर, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए पहले बात करते हैं हम सार्वभौमिकता के ऊपर, ठीक है। भारतीय संस्कृति की जो है दृष्टिकोण वैश्विक रहा है, हमेशा से वैश्विक रहा है ना। वसुदेव कुटुंबकम इस तरह की चीजें हमने तो वैक्सीन पे भी ये लिखा था, है ना, उस चीज को फैलाया जब जरूरत थी ना, तो भारतीय संस्कृति ने, भारतीय लोगों ने जो है दिखाया कि हाँ हम लोग किन संस्कृति से आते हैं, हमारे अंदर किस तरह के भाव हैं और हम किस तरह के इंसान हैं, है ना, भारतीय लोग कैसे हैं, वो चीज हमें दिखाई कि हमने वैक्सीन पर भी लिख दिया वसुदेव कुटुंबकम। तो वो चीज आप सोचते हो ना तो अंदर से भाग अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है कि हाँ हम ऐसे स्थान पर रहते हैं, उन लोगों के बीच में रहते हैं जिनकी मानसिकता इतनी अच्छी है, है ना, वो संस्कृति हमारे पास है जो हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाती है, एक अच्छा मार्ग दिखाती है, ठीक है ना। विश्व ही एक परिवार है कि जो अवधारणा है विश्वास करती है हमारी संस्कृति और हम उन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार के जो है सह अस्तित्व की अवधारणा केवल भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं में नहीं वर्ण उसके बाहर भी है। यानी कि बात जब वसुदेव कुटुंबकम की कर रहे हैं तो पूरा संसार ही एक परिवार है, ये हमारी थिंक है, ये हमारी संस्कृति है। तो सार्वभौमिकता की हमने बात की तो हम सार्वभौमिकता के ऊपर एक पॉइंट बता सकते हैं, भाई हाँ हमें बात जब हम सार्वभौमिकता की करें तो ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अध्यात्मक और भौतिकवाद जो है उसका समन्वय कैसे हो सकता है वो अच्छे से प्रस्तुत करना सीखेंगे, क्योंकि पता है कि भाई अध्यात्म की बात हो रही है, भौतिकवाद की बात हो रही है ना, भौतिकता की बात हो रही है, तो ऐसे कुछ होता है अध्यात्म की कुछ ऐसा कुछ है, भौतिकवाद ऐसा कुछ है, मगर दोनों को लिख के कि भाई हाँ यहाँ पर दोनों चीजें समन्वय के साथ चलती हैं। भारतीय संस्कृति का प्रधान गुण जो है भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों को साथ लेकर चलना है। वस्तुतः प्राचीन काल में मनुष्य के चार पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष है ना, और चार आश्रम थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसी भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को जो है प्रमाणित करते हैं कि हाँ, हम हमेशा से चीजों को साथ में लेके चले हैं, एक और नहीं पड़े हैं। जैसे कि जो यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन, वो भौतिक चीजों की ओर ही बढ़ गए, वो अध्यात्म का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, है ना। एक कुछ मतलब ऐसा है कि भाई हमारी चीजें दोनों की चले, हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर भी ध्यान देते हैं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, अपने लाइफ को भी ऐसे बांटते हैं कि हाँ हमने कैसे जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, हम क्या बता सकते हैं, प्राचीनता। देखिए, भारत में पुरापाषाण काल से भीमबेटका से बने हुए चित्र इस संस्कृति की प्राचीनता को दर्शाते हैं और इस तरह की विश्व की प्राचीनतम साहित्य की रचना जो है वेदों के रूप में भारत से जुड़ी हुई है। वेद अपने आप में गाथा गाते हैं कि भारतीय संस्कृति किस तरीके की है और हमें किस तरह का ज्ञान है। ठीक है ना, अगले पॉइंट हम क्या दे सकते हैं कि निरंतरता। देखिए, भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के बाद भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। वहीं हम बात करें मिस्र की, मेसोपोटामिया, सीरिया, ठीक है, रोम की, तो उनकी संस्कृतियां अपने मूल स्वरूप को जो है विस्मृत कर चुकी है। और भारत में जो है नदियां, बरगद, पेड़, वृक्ष, हम किसको नहीं, नदी को, पहाड़ को, सूर्य को, ग्रहों को पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, हम सभी को देवी देवता के हिसाब से जो है पूजते हैं। और ये चीजें शताब्दी से चली आ रही हैं, आज भी जा रही हैं। हम जो है घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, यदि आप साइंटिफिक देखोगे तो वो भी आपको पता चलेगा। पीपल का जो है पेड़ होता है, बरगद होते हैं, नदियां होती हैं, हर चीज को, हम की हर चीज सम्मान्य है, उनके अंदर जीवन है, ये चीज हम मान के चलते हैं। और उनके अंदर जो भगवान है उनको जो है हम नमस्कार करते हैं, है ना। तो ये हमारी संस्कृति है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, विविधता एवं अनेकता। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति जो है जलवायु और उसकी अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय विशेषता और विविधताओं को उत्पन्न करती है, और इसी कारण जो है भारत में खान पान से लेकर रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, बहुत सारी जो है हमारी विभिन्नताएं हैं, है ना। किंतु फिर भी भारत की जो संस्कृति है उसकी जो विशेषताएं हैं इस प्रकार आपस में मिली हुई हैं कि यदि आप चाहेंगे कि भाई पर्टिकुलर इस चीज की, इस एरिया की कोई संस्कृति जो है उसका मूल स्वरूप आप देख लेंगे तो पहचान ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे आपस में मिली हुई हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, परंतु हम अपनी विविधता के कारण भी शक्तिशाली हैं। तो अपने पॉइंट आप देख सकते हैं, ऐसे हम अपनी बातें लिख सकते हैं। और जब भारतीय जो है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता की बात हो रही हो तो अंदर से चीजें निकलती हैं, ऐसा मन करता है कि 1.5 घंटे तक इस चीज के ऊपर बोलते रहो, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, मगर क्या करें, समय की एक लिमिट होती है, वर्डिंग की भी लिमिट होती है ना। आगे बढ़ते हैं, अब निष्कर्ष की बात हम कर लेते हैं कि भाई हाँ, निष्कर्ष में हम क्या ले सकते हैं। देखिए, कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति स्वयं में अनेकों विशेषताओं को जो है समेटे हुए है, जो संपूर्ण भारतीय समाज को आज भी उच्चतम मूल्य और आदर्शों की चेतना प्रदान कर रही है। हमें मतलब वो बहुत सारी अंदर चीजें समेटी हुई है, मतलब बोलने जाओ तो आप 1.5 घंटे तक बोलते रहो, 2 घंटे तक बोलते रहो, इतनी सब चीजें जो है हम इनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को बेनिफिट मिल सके। मेंस की जो चीजें हैं कोई नहीं दे सकता है 20-25 हजार, 8 हजार, 10 हजार रुपए जो है कहीं पे जाके किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो प्लीज वीडियो उनके तक पहुंचा दीजिए, ये पुण्य का काम है, प्लीज कर दीजिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।